अस्सलाम वालेकुम। बना रही हूँ चिकन मलाई हांडी, जिसके लिए ये बोनलेस हाफ केजी चिकन, जिसे मैं अच्छे से धुल के ले ली हूँ। इसमें हाफ टेबल स्पून, ये छोटा स्पून है, हाफ टेबल स्पून इसमें मैं काली मिर्च ऐड कर दी, नमक हाफ टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसे 20 मिनट के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो कम से कम इसे 10 मिनट के लिए आप इसे मैरिनेट के लिए ज़रूर रखें। देखिए चिकन मैरिनेट हो रहा है। अब एक कढ़ाई ले लें, इसमें मैं बटर डाल दी, बटर मेल्ट हो जाए। देखिए बटर मेल्ट हो रहा है। अब इसी में प्याज डाल दें, 2 मीडियम साइज के प्याज। देखिए इसमें 6 हरी मिर्च डाल दी। आप जितना तीखा लेते हैं उतना इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये 20 से 25 बादाम, जिसे मैं पानी में बॉयल करके इसे, इसका जो ऊपर का छिलका है वो मैं निकाल दी हूँ। देखिए इसको कलर नहीं देना है, बस इसे 2-3 मिनट इसे हाई फ्लेम पे बस इसको सौते कर लेना है। ये हो गया है। इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए इसमें फिर ये बटर डाल दें, बटर मेल्ट हो जाए। इसमें ये साबुत मसाले जाएंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटा टुकड़ा जायफल का, थोड़ा सौते कर लें। इसमें आप 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक, इसे थोड़ा मिक्स कर लें। इसमें ये बादाम, हरी मिर्च, प्याज ऐड करके इसे मिक्स कर लें। देखिए तो इसमें और मैं छोटा टुकड़ा और मैं बटर का डाली। बटर इसमें ज़्यादा ही जाता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन जाएगा, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए चिकन डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर ली। अब इसमें और ये बटर, बटर इसमें 100 ग्राम जाएगा। नमक डाल दें, नमक मैंने चिकन में भी मैरिनेट करने टाइम डाला था। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसे हाई फ्लेम पे भूने कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अगर आपके पास बटर नहीं हो तो आप इसे ऑयल में, रिफाइन ऑयल में बना सकते हैं। देखिए लो फ्लेम करके फिर आप इसमें 50 ग्राम दही ऐड कर लें। इसमें ना 1 टेबल स्पून ये मलाई ऐड कर रही हूँ, इसे फ्रिज में रखने से ये जम गया है। आप इसे अमूल क्रीम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पे 4-5 मिनट ढक के पका लें। देखिए इसका ढक्कन हटा दे, अब इसे हाई फ्लेम पे भून ले, इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। देखिए इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले, 2 मिनट इसे पका ले पानी के और चिकन के साथ। देखें अब मैं चूल्हे को बंद कर दी। अब इसके ऊपर ना आप मलाई से गार्निशिंग कर दें और इसे डिश आउट कर लें। देखें इसके ऊपर क्रीम से गार्निशिंग कर लें, इसका फाइनल लुक। मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जिसके लिए मैं 1 केजी चावल लेके इसे मैं आधे घंटे पहले भिंगो के रख दी थी। ये 250 मटर, जिसे मैं बॉईल करके इसे रख ली हूँ। बॉईल कर लेने से इस कोई कोई मटर चावल को जाके उसको कलर दे देता है, इसीलिए मैं इसको बॉईल करके और इसका पानी फेंक दी हूँ। ज़्यादा इसको नहीं पकाएं। और ये कुछ साबुत मसाला, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, स्टार फूल लौंग, जायफल, दालचीनी, जो गरम मसाला आपके पास हो वही ले। ये नारियल, बादाम, जिसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। 1 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैं कट कर ली हूँ। देखिए अब एक पतीले ले ले, इसमें मैं घी डाल दी, घी मेल्ट हो जाए। देखिए अब इसमें सारे खड़े मसाले डाल दें, इसमें प्याज डाल दें, प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज फ्राई हो गया, अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। देखिए इसमें पानी मैं 1.5-1.5 लीटर, इसमें ये बोतल 1 लीटर का है, 1.5 लीटर मैं इसमें पानी ऐड कर दी हूँ। अब आप वेट कर लें इसमें बॉयल आने तक का। इसमें नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर लें। देखिए इसमें बॉयल आ गया है, इसमें ग्राइंड किया हुआ बादाम और नारियल इसमें ऐड कर लें। देखिए पानी में बॉयल आ गया, अब इसमें चावल ऐड कर लेंगे। देखिए ये हाफ हुआ है,
और आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा, मटर डाल के इसे अच्छे से चला लें और फिर आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। जब ये हो जाएगा फिर चूल्हे को बंद कर लेंगे। देखिए ये हो गया, अब चूल्हे को बंद कर लें। देखिए इसमें फूड कलर और केवड़ा एसेंस मैं इसमें डाल दी हूँ मटर पुलाव में। इसका फाइनल लुक बना रही हूँ चिकन रेसिपी। ये चिकन बहुत इजी और बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी जाएगा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, ये दही है 100 ग्राम दही ले लें, ये खट्टा दही नहीं है, 1/2 लहसुन अदरक पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये रेसिपी बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी और इजी तरीके से ये बन जाता है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे हमेशा इसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अलग इसका टेस्ट भी आता है और बहुत इजी है। इसमें कुछ बाज़ार के या कुछ अलग स्पाइसेस कुछ नहीं जाता है, जो आपके किचन में होगा स्पाइसेस वही जाएगा। और बहुत ये आप जो रेगुलर में हम बनाते हैं चिकन, उससे ये अलग और टेस्टी बनके तैयार भी होता है। आप इसे मैरिनेट करके मैं 10-15 मिनट, अगर टाइम हो तो 1-1.5 घंटा ज़रूर इसे रखें मैरिनेशन के लिए। मैं इसे 10 मिनट रखूँगी क्योंकि मुझे अभी बनाना है इसे। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लें, अब इसे रख दें। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैं ग्राइंड कर ली हूँ, 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैं ग्राइंड कर ली हूँ। देखिए अपने अकॉर्डिंग ऑयल ले लें। मैं इसमें 1 कप ऑयल ली हूँ, जो चाय वाली कप होती है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, थोड़ा सोटे कर लें, छोटा टुकड़ा जायफल का, ग्राइंड किया हुआ प्याज ऐड कर लें। देखे प्याज को गोल्डन फ्राई कर ली, अब इसमें टमाटर ऐड कर लें। प्याज और टमाटर इसे भी अच्छे से भून लें। देखे प्याज और टमाटर को अच्छे से भून ली, अब इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसको ऐड कर लें और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसके मसाले भी इसमें चिकन में ऐड कर लें। देखे चिकन और मसाले को अच्छे से मिक्स कर ली, अब इसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। मैं इसमें 1/2 नमक ऐड की हूँ। इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे ही इसे भूने, इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। देखिए अब इसमें 3 मैं हरी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि 1 टेबल स्पून ही मैं लाल मिर्च इसमें ऐड की थी। आप कितना तीखा लेते अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें मिर्च ले सकते हैं। इसे आपने इसमें पानी नहीं डालना है। देखें मैं नमक डाली तो दही ही अपना इतना पानी रिलीज किया है। अब इसे ही हाई फ्लेम पे भून लेंगे, अच्छे से मसाले भून भी जाएगा और आप इसका ऑयल सेपरेट कर लें। देखें यह चिकन अच्छे से भून गया और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी इसमें ऐड कर लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए चिकन अच्छे से भून गया, अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आपको जितना इसमें ग्रेवी लगाना है उतना ही इसमें पानी ऐड कर लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसमें इतना पानी डालें कि पक भी जाए और इसमें आपका ग्रेवी भी रह जाए। आप ऊपर से पानी इसमें नहीं डालें। देखें इसका, अब इसे लो फ्लेम पे करके ढक ले, ढक्कन लगा ले। इसे 3-4 मिनट और पका लेंगे। देखें ये हो गया, अब इसमें धनिया पत्ती ऐड कर लें और चूल्हे को बंद कर लेंगे। देखें चूल्हे को बंद कर दी,